नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बहराइच के विशेश्वरगंज इलाके में 21 वर्ष पूर्व पंचायत चुनाव के दौरान बलवा और उपद्रव कर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले 24 आरोपियों को अपर जिला जज 6 ने आजीवन कारावास की ऐतिहासिक सजा सुनाई। 14 जून 2000 को विशेश्वरगंज इलाके के डोलकुआ ग्राम सभा में पंचायत चुनाव के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी और फायरिंग भी की गई थी। दो पक्षों के बीच जमकर हुए बवाल, उपद्रव और मारपीट में रमेश नाम के शख्स की मौत हो गई थी। सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची विशेश्वरगंज की पुलिस ने बलवा करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ आरोपी जनपद गोंडा और बस्ती जनपद के हरैया के शामिल थे, जो उपद्रव और बलवा करने के इरादे से पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। 21 साल चले इस केस की सुनवाई के बाद आखिरकार अपर जिला जज 6 ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गांव में पंचायत चुनाव को बाधित करने के लिए जो इसमें जगत नारायण सहित नामित 30 मुलजिमान थे, इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक घटना कारित किया था, जिसमें वादी मुकदमा कौशल किशोर तिवारी के सगे भाई रमेश तिवारी को की घटना स्थल पर ही मृत्यु हुई थी और 7 लोगों के हायर आर्म इंजरी की चोटें थी। 6 लोग हथगोला दहशत फैलाने के लिए फेंक रहे थे, पुलिस ने सब बरामद किया था, विवेचना हुई थी और उसके बाद साक्ष्यों के संकलन के पश्चात न्यायालय ने 20 साल के पश्चात न्याय किया है और एक व्यक्ति को जिसके भाई की हत्या हुई थी, एक महिला जिसके पति की हत्या हुई थी, उसको 20 साल के पश्चात न्याय मिला। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।